आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आईपीसी का यूनिट नंबर 5 सेमेस्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं फार्मा का। और 4 यूनिट अब तक खत्म हो चुकी है, वीडियो सारे अपलोड है, आप जाइए प्लेलिस्ट चेक करिए, आईपीसी के नाम से प्लेलिस्ट है, सारी वीडियोस लेक्चर 1 से लेकर लास्ट तक है। और ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है डी फार्मा के लिए फर्स्ट ईयर का। आज हम लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, है ना। तो आपने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का नाम सुना होगा, तो वो जो रेडिएशन होती है ना, एक्सरे गामा रे, आप सीटी स्कैन कराते होंगे, एक्सरे कराते होंगे, है ना। तो ये सब का यूज हमारे फार्मेसी के फील्ड में क्या है, तो उसी को एप्लीकेशन हम फार्मेसी में अप्लाई करके पढ़ रहे हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। आज हम बात करने वाले हैं 2-3 टॉपिक का पहले लेक्चर में। सबसे पहले हमको जानना होगा कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी क्या है और रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स क्या है, देखो समझो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई ट्रैक्टर है, एक ट्रैक्टर है, और उस ट्रैक्टर में हमने क्या किया, ढेर सारे सेब भर के पूरा लोड किया डायरेक्ट बिना किसी बोरी के, डायरेक्ट क्या किया, ट्रैक्टर की जो पीछे ट्रॉली होती है उसमें लोड किया और लोड करके ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जा रहा है, पहुंच गया, कोई कुछ नहीं है। लेकिन अगर पीछे ट्रैक्टर की ट्राली में हम एक्स्ट्रा लोड कर दें, यानी जितना उसमें आना चाहिए था सेब उसके अलावा भी 10-12 बोरा ऊपर से लगा लगा के सेट करके हमने भर, अब वो जब ट्रैक्टर चलेगा और अपने स्थान तक जाएगा तो क्या सेब वैसे बैठा रहे, रास्ते भर सेब गिरते हुए जाएगा। जब उसकी ट्राली के ऊपर लेवल तक भरे हो तो उनका रास्ते भर सेब गिरता नहीं जाएगा। अच्छा, रास्ते भर सेब क्यों गिर रहा है, क्योंकि उसके पास पहले उसके लिमिट से ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वो ट्राली है वो रेडियो एक्टिव ट्राली है, लगातार रास्ते भर से गिरते जा रहा है और अगल बगल जो लोग जिनका घर है उनको फायदा हो रहा है। कुछ यही कहानी है एलिमेंट्स के साथ। जिन एलिमेंट आपने देखा पीरियोडिक टेबल में अब तक 118 एलिमेंट की खोज हुई, उसमें 89 89 से आगे लेकर जितने भी हैं, यानी 89 से लेकर आगे वाले जो है ये हाई एटॉमिक मास वाले, इनका न्यूक्लियस बहुत भारी होता है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है प्रोटॉन की संख्या बढ़ती चली जाती है, और प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि ऐसे इनका ट्रैक्टर के अंदर जब सेब भर रहे हो तो जब ओवरलोड करोगे तो ट्रैक्टर भारी हो जाएगा। उसी तरह से जब मटेरियल जिनका एटॉमिक नंबर 89 और उसके आगे वाले हैं, इन सबके न्यूक्लियस बहुत भारी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, और जब प्रोटॉन ज्यादा होते हैं तो न्यूट्रॉन भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि जितना प्रोटॉन होता है उतना न्यूट्रॉन का एवरेज होता है। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बढ़ रहा है तो उसी एवरेज में न्यूट्रॉन भी बढ़ेगा, तो न्यूक्लियस इनका धीरे धीरे भारी होता चला जाए। और इनका न्यूक्लियस जब भारी होता है तो ये क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल फील नहीं करते। यार कोई इंसान बहुत भारी है, उठू नहीं पा रहा है, बैठू नहीं पा रहा है, लेटू नहीं पा रहा है, तो अपने आप को स्टेबल फील करेगा, कभी नहीं करेगा। उसी तरह ये एटम 89 से ऊपर वाले जितने भी एटम होते हैं इतने भारी होते हैं कि ये अपने आप को बेटर फील नहीं करते। इसलिए ये एटम जो होते हैं, जैसे मान लीजिए इसका न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है और बाहर इनकी कक्षाएं है, तो ये एटम क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने न्यूक्लियस से कुछ किरणें लगातार निकालते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा, ताकि इनका वेट कुछ कम हो सके, इनका भार कुछ कम हो सके, और जिसके कारण जब भार कम होगा ये अपने आप को स्टेबल फील करेंगे। कोई मजबूरी नहीं है इनकी किरण को निकालना, ये खुशी है इनकी। ऐसे एलिमेंट जो 89 से ऊपर वाले हैं ये अपने न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल या पार्टिकल इसलिए निकालते हैं, रेज किरणें इसलिए निकालते हैं ताकि इनका मास कुछ कम हो सके और ये अपने आप को स्टेबल फील कर सके। तो ऐसे कंपाउंड हर वो एलिमेंट जो अपने न्यूक्लियस से पार्टिकल्स को किरणों के रूप में, रेज के रूप में बाहर निकालते हैं, उन्हें कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट का अपने न्यूक्लियस से किरणों का निकालना ही कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। इसको सबसे पहले साइंटिस्ट है हेनरी बैकरल, इन्होंने ही खोजा था, ठीक है, इसलिए इसको बैकरल रेज के नाम से भी हम समझते हैं रेडियो एक्टिव रेज को, ठीक है। तो अब इसको समझा गया कॉन्सेप्ट क्या है कि क्यों होते हैं रेडियो एक्टिव कंपाउंड, तो सारे तो नहीं होंगे दुनिया में, वही होंगे जो अपने पार्टिकल से रेज निकाले,
ठीक है, यूरेनियम है, थोरियम है ना, रेडियम है। तो अब ये सब क्या है, न्यूक्लियर पार्टिकल से रेत निकालते हो, क्यों निकालते हैं आपको क्लियर हो गया। तो ऐसे कंपाउंड्स, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो अपने न्यूक्लियस से रेस को रिप्रोड्यूस करते हैं या अपने मास को कम करते हैं, इसको मास डीके बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के द्वारा अल्फा गा बीटा गामा पार्टिकल का निकलना होता है, इसी को रेडियो एक्टिविटी, इसका यूनिट होता है बैकर, क्योंकि साइंटिस्ट थे हेनरी बैकर, इन्होंने खोला था। ठीक है, समझ आ गया व्हाट इज द रेडियो एक्टिविटी, आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ हम बात करेंगे कि जो रेडियो एक्टिव रेज है, तीन प्रकार की रेज निकलती है, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा बीटा गामा का हम नेचर यहाँ पे समझेंगे कि अल्फा का नेचर क्या है, बीटा का नेचर क्या है और गामा का नेचर। इसको समझते हैं, हमने एक्सपेरिमेंट किया गया है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बीम है, एलिमेंट यहाँ रखा गया है, और उस एलिमेंट से, रेडियो के एलिमेंट से तीन तरह की किरणें निकल रही है, अल्फा बीटा और गामा। और ये पहचानने के लिए कि किसका क्या नेचर है, हमने यहाँ पे लगाया एनोड, एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज, हमने यहाँ पे लगाया कैथोड, कैथोड होता है नेगेटिव चार्ज, और हमने ऊपर जो प्लेट लगाया है वो मोटी पन्नी है, ये न्यूट्रल, इस पर कोई भी चार्ज नहीं। हमने देखा कि जब अल्फा पार्टिकल निकला तो वो कैथोड की तरफ घूम गया, तो इसका मतलब अल्फा का कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, क्योंकि कैथोड तो नेगेटिव चार्ज है, कैथोड क्या चार्ज है, नेगेटिव, और नेगेटिव की तरफ कौन जाएगा, पॉजिटिव तरफ, यानी इससे ये प्रूफ होता है कि अल्फा कौन चार्ज होता है, पॉजिटिव, समझो। उसके बाद बीटा घूम गया एनोड की तरफ, एनोड पे होता है पॉजिटिव, मतलब बीटा पे कौन चार्ज होगा, ये एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो रहा है, कुछ हम बता नहीं रहे अपने मन से कि भैया अल्फा घूम गया कैथोड की तरफ मतलब उस पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, बीटा घूम गया एनोड की तरफ मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज, और गामा कहीं नहीं घूमा सीधा निकल गया, इसका मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं, ये न्यूट्रल होता है। अब हम थोड़ा सा पहचान लेते हैं कि पेनिट्रेटिंग पावर, जो जितनी तेजी से जाएगा वो उतना तेज पेनिट्रेट करेगा, और जो जितना भारी होगा वो उतना धीरे धीरे जाएगा। अल्फा पार्टिकल बहुत दूर तक नहीं जा पाते, आप देखो डिस्टेंस बस यही, मतलब इनका मास ज्यादा होता है, ये भारी ज्यादा होते हैं, और इनका पेनिट्रेटिंग पावर कम होता है। डिफरेंस याद रखो, चलो अल्फा पार्टिकल भारी होते हैं और इनका पेनिट्रेटिंग पावर कम होता है, पेनिट्रेटिंग लोग किसी चीज को पार करने की शक्ति, बीटा थोड़ा दूर तक है, इनका मास कम होता है, भाई हल्का होता है दूर जाएगा, और हल्का होता है, और इनका पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा से ज्यादा है ना, किसी भी चादर को जल्दी पार करेंगे। और गामा का देखा तो ये सबसे हल्के होते हैं, और इनका पेनिट्रेटिंग पावर इन दोनों से कई गुना ज्यादा है। समझ आ गया, हमने दो डिफरेंस देख लिया कि अल्फा पॉजिटिव चार्ज, बीटा नेगेटिव चार्ज, गामा न्यूट्रल, अल्फा हल्के और पेनिट्रेटिंग पावर भारी, और पेनिट्रेटिंग पावर कम, बीटा हल्के, पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा, और गामा बिल्कुल हल्के और पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा। समझ आ गया, तीसरा डिफरेंस देखते हैं, यही सब लिखना है कॉपी में। तीसरा क्या है, अल्फा आप जानते हैं हीलियम का फॉर्मूला क्या होता है, हीलियम 2H4 होता है, अगर हीलियम से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो हीलियम पे प्लस 2 चार्ज जाएगा, और इसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। जब भी हीलियम नाभिक से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उसमें आता है प्लस 2 चार्ज, यही होता है हमारा अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Hg+2, हीलियम पे प्लस 2 चार्ज, ये इसका, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं Hg+2 से। अच्छा बीटा को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होते ही है, एक इलेक्ट्रॉन होता है -1 चार्ज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन, और गामा न्यूट्रल है, इसको किसी से नहीं, ये हम इसको आराम से 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ना इस पे प्लस चार्ज है, ना इस पे माइनस चार्ज है, और ना इस पे कोई मास डीके। क्लियर हो गया, ये हो गया। अब आज बात करते हैं मास डीके, मास डीके की किसी एग्जांपल तौर पे हमने कोई एग्जांपल लिया ए, इसका परमाणु क्रमांक है 100 और परमाणु भार है 200 मान लिया। अब अगर अल्फा बीटा या गामा पार्टिकल इनके बंदर से निकलेंगे तो इनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कुछ ना कुछ कमी आएगी। अगर हम यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल निकालेंगे, किसी भी एलिमेंट से एक अल्फा पार्टिकल निकालेंगे, ध्यान समझिएगा, तो जब अल्फा पार्टिकल निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस इनके क्या होगा, देखो प्लस 2 मतलब क्या होता है, प्लस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो यानी इनमें क्या होगा 2He4, इनके परमाणु क्रमांक में 2 की और परमाणु भार में 4 की कमी होगी, यानी इसमें ये हो जाएगा 100 का हो जाएगा 98 ए, और यहाँ 4 कम कर दो 100, याद रखना हमेशा,
कि जब भी किसी पार्टिकल से अल्फा पार्टिकल निकलता है किसी एलिमेंट से तो उसमें कमी आएगी भार में, उसके परमाणु क्रमांक में दो की कमी आती है और परमाणु भार में चार। ये हमेशा आपको याद रखना है। अगर किसी भी पार्टिकल से एक बीटा पार्टिकल निकल रहा है तो बीटा में कोई मास तो होता नहीं, माइनस वन, और माइनस चार्ज के बाद जब इलेक्ट्रॉन आता है यानी यहाँ पे एक परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो जाएगी और जबकि परमाणु भार में कोई खास घटक नहीं। समझ आ रहा है? यानी जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में दो की वृद्धि और परमाणु भार में सॉरी कमी और परमाणु भार में चार की वृद्धि। जब बीटा निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि और परमाणु भार में कोई फर्क नहीं, और जब गामा पार्टिकल निकलेगा तो कोई फर्क नहीं, जैसे था वैसे, क्योंकि गामा पार्टिकल कोई मास नहीं, कोई वेट बहुत हल्का है, इसलिए कोई खास असर नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी समझ ली। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा पार्टिकल में डिफरेंस क्या है। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होते हैं, गामा पार्टिकल न्यूट्रल होते हैं। अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा, बीटा पार्टिकल का मास कम, गामा का सबसे कम। पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा की सबसे कम, बीटा की ज्यादा, गामा की सबसे ज्यादा। अल्फा को रिप्रेजेंट करते हैं हीलियम नाभिक से Hg2+, बीटा को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस वन इलेक्ट्रॉन से और गामा को जीरो से। अल्फा पार्टिकल जब भी निकलता है परमाणु क्रमांक में दो की कमी, परमाणु भार में चार की कमी। बीटा जब भी निकलता है परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि, परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं, और जब गामा निकलता है दोनों में कोई परिवर्तन। ये सिंपल सा रेडियो एक्टिविटी का पूरा, ये जरूर आता है अल्फा बीटा गामा रेज की प्रॉपर्टी, ये स्ट्रक्चर जरूर आता है एग्जाम में हर साल चैप्टर से लिख ले। दूसरी बात करते हैं आइसोटोप क्या होता है, लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं आइसोटोप, हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। अच्छा देखो, जब लगातार किसी एटम से लगातार पार्टिकल्स निकल रहे हैं, लगातार पार्टिकल्स निकल रहे हैं तो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कोई दो एलिमेंट, दो या तीन एलिमेंट बनेगा, ये लिखा हमने ए ए, ठीक है, जो दो एलिमेंट है ए और बी, इसका परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16, इसका परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 15। देख रहा है क्या, ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक वेट क्या हो अलग अलग, वो कहलाते हैं एक दूसरे के आइसोटोप यानी समस्थानिक। ठीक है, कोई भी एलिमेंट, और ये बनते क्यों है कि जब कोई एलिमेंट लगातार अपने भाई, क्योंकि प्रायर टेबल में 89 सुपर वाले सारे निकालेंगे रेस, जब वो रेस निकालते रहते हैं तो वो नए नए स्ट्रक्चर बनाते रहते हैं, और जब नए नए स्ट्रक्चर बनाते रहते हैं तो उसमें कई आइसोटोप बनते हैं, कई आइसोबार बनते हैं, कई आइसोन्यूट्रॉनिक बनते हैं, आइसोकोर बनते हैं। तो आइसोटोप क्या है, जब एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक भार डिफरेंट। अच्छा दूसरा एग्जांपल ले ले ए और बी, यहां हमने ले लिया 8, 7, 15, 15। अब क्या है देखो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक वेट सेम, दिस इज कॉल्ड आइसोबार। क्या बोलते हैं इसको, आइसोबार। यानी जब एटॉमिक नंबर आपके डिफरेंट हो, एटॉमिक वेट सेम हो, तो अच्छा एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक वेट डिफरेंट, तो आइसोटोप। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक वेट सेम, तो आइसोबार। और जब दोनों डिफरेंट और न्यूट्रॉन से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं सेम, उसे आइसोकोरिक या आइसोन्यूट्रॉनिक। ठीक है, ये सब कुछ सिंपल सिंपल टर्म्स थे, वर्ड्स थे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो लिखो।